बातों का टीवी के अनुराग बासु करने जा रहे हैं अपना बिग बॉलीवुड डेब्यू। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, टीवी की गजब खबरें यानी टेलीमीनिया के इस स्पेशल सेगमेंट में आज हम करने वाले हैं आप सभी के चहेते पांच संतान यानी कि हमारे कसौटी जिंदगी के अनुराग बासु की। जी हाँ, काफ़ी दिनों से कसौटी जिंदगी की चर्चा में रहा है, जब से फैंस को पता चला है कि जो हमारा अनुराग बासु है यानी कि पांच संतान शो को छोड़ने वाले हैं। खबरें ये थी कि पांच संतान अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहते हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कसौटी जिंदगी को टाटा बाय बाय बोल दिया। पिछले महीने जब वो सेट पे वापस आए थे कोविड-19 से बैटल लड़ने के बाद, तभी से खबरें आ रही थी कि पांच संतान शो को छोड़ना चाहते हैं और वापस शो में नहीं आएंगे, उन्हें नोटिस पीरियड दे दिया है। फिर खबरें आने लगी कि पांच संतान ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, हफ्ते के सिर्फ पांच दिन ही वो शूट करेंगे, उनकी जो फीस है पर डे है वो भी बढ़ चुकी है। लेकिन अब उड़ती उड़ती खबरें आने लगी कसौटी जिंदगी के टाटा बाय बाय होने वाला है। जी हाँ, कसौटी जिंदगी के टू बंद होने वाला है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में कसौटी जिंदगी दर्शकों से विदा ले सकता है। कहा यह भी जा रहा था कि अगर मेकर्स को पांच संतान का रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है तो वो शो को बंद कर सकते हैं। लगता है स्टार प्लस ने तो डिसीजन फाइनल ले लिया है, लेकिन इस स्पेशल सेगमेंट में आज हम आपको पांच संतान के बिग बॉलीवुड डेब्यू के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं, अगर अभी तक आपने टीवी की गजब खबरें टेलीमीनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब बटन को हिट करिए। टीवी के लेटेस्ट गॉसिप, न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ आपको यही मिलेंगी और कहीं नहीं, वो भी सिर्फ एक अलग अंदाज में। बोरिंग न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी, सारी चटपटे मसालेदार न्यूज़ ही मिलेगी। चाहे कोई भी एक्टर हो, वो अपने आप को बिग स्क्रीन पर देखना ज़रूर चाहेगा। और वही खबरों की माने तो अब हमारे पांच संतान हैं वो भी एक सक्सेसफुल ट्रांजिशन करने वाले हैं। जी हाँ, वो टीवी से सिनेमा जगत में जाने वाले हैं। पांच संतान को एक बहुत ही बिग बैनर तले एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिल चुका है। जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट के वो अपना बिग एंड ग्रैंड बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। जी हाँ, फैंस के लिए बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग न्यूज़ है जो आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। इसी अपकमिंग प्रोजेक्ट की वजह से पांच संतान कसौटी जिंदगी 2 को छोड़ना चाहते थे और अब हमें एक बहुत ही हैपनिंग न्यूज़ मिली है। इस मूवी के नाम को बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि पांच संतान ने जो अपनी पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है वो साइन कर ली है और ये बहुत ही जाने माने जो डायरेक्टर है उनके प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनने वाली फिल्म है। पांच संतान तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अपने फिल्मी डेब्यू को लेके। लेकिन जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, किसके अगेंस्ट वो डेब्यू करने जा रहे हैं? जी हाँ, पांच संतान अपना हिंदी सिनेमा डेब्यू करने जा रहे हैं आलिया भट्ट। इस समय आलिया भट्ट काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में है, जब से सुशांत सिंह राजपूत के जो पुराना वीडियो है कॉफ़ी विद करण वाला जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो वायरल जा रहा है। लेकिन वो काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और यंगर जनरेशन के एक्ट्रेस में काफ़ी उन्हें टैलेंटेड माना जाता है। तो कौन सी फिल्म है जिसमें वो पांच संतान के साथ नजर आएंगी? वो फिल्म का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। जी हाँ, वही फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी जिसमें वो गंगूबाई का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। ये फिल्म संजय लीला बंसाली खुद डायरेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, पद्मावत के बाद, बाजीराव मस्तानी के बाद, रामलीला के बाद अब वो आलिया भट्ट को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभाते हुए पांच संतान नजर आएंगे, लेकिन उस किरदार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको अगली वीडियो में देंगे। इस वीडियो में हम आपको यही बताना था, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हॉट एंड हैपनिंग न्यूज़। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।